वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम आए हुए अपने न्यू हाउस पे और हम दिखाने वाले आपको पूरे हाउस का टूर। सो बाहर से दिखने में घर ऐसा है। तो ये है यहाँ की पार्किंग जो कि काफी बड़ी है। यहाँ पे लिफ्ट की एंट्री। सो ये जो लिफ्ट है ये फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि इसमें बटन नहीं है, टच वाली लिफ्ट है। तो सबसे पहले चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये पहले से ही दोनों विराजमान हैं। मेरा कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये रूम किसको चाहिए? मेरे को। आर्यन या विवान? Obviously. तो ठीक है डिसीजन हो जाता है, दोनों फाइट करो, देखते जो जीतेगा वो मेरा बोलने से रूम नहीं है ये मास्टर बेडरूम मम्मी पापा का, यानी मेरा और विजय का है। हाँ जी, चल अब तू शो कर दे, जरा रूम दिखा दे। तो ये चल विराजमान रूम। ओके, सबसे पहले इस साइड। तो ये जो भी होता है वो होता है, ये है बेड, यहाँ भी लगेगा टीवी, जरूरी सामग्री। आराम से विवान, अभी मैं पहुंची भी नहीं वहां तक। टीवी और जरूरी सामग्री खोल के दिखा दे ड्रॉर्स। कर्टेन्स, विंडो, ये है कर्टेन्स, विवान को बिल्कुल दिखाने नहीं आता है। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। ये है इसके साथ अटैच बाथरूम। सीधा कैमरा इसे राइट की तरफ। ओके, सीधा राइट, लेफ्ट मत दिखाना, लेफ्ट में। ओके, सबसे पहले राइट साइड। तो यहाँ पे चाहे हो सकते हो हाथ पाथ हो सकते हो, मुंह हो सकते हो, और यहाँ पे नहा सकते हो। दिक्कत ये है ये ओपेक रूम है, यहाँ पे कोई भी दोस्त वोस्त कमी ना आएगा तो वो देख लेगा। कैसे परमिशन मिल सकती है बाथरूम में किसी को भी? अगर दरवाजा लॉक नहीं किया तो। अब याद है तो वो तुम्हारी गलती। अब याद है गुप्त सूत्र पे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वॉशरूम का, पीछ देखो, पीछ। लेफ्ट साइड होते ही ये क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिखती है अलमीरा। वाओ, ऐसा लगता है कि हम होटल में आ गए। प्लस ऑटोमेटिक लाइट्स, मोशन सेंसिंग। मोशन सेंसिंग जैसे ही खुलेगा वैसे ही ऑन होएगा उसका सेंसर। जाते हैं बालकनी की तरफ। ये बालकनी, इसमें ये दरवाजा है नेट वाला, तो या जिससे आप रेनी सीजन में मजे ले सकते हो, मॉनसून के धूप का, धूप के मजे ले सकते हो, सर्दियों में हीट नहीं आएगी, लाइट अच्छी आएगी। ये है स्पेशियस बालकनी, चौड़ाई में इतना नहीं है, सॉरी चौड़ाई में है, लंबाई में नहीं है। अब लंबाई में है, चौड़ाई में, चौड़ाई ये होता है। और ये है सामने का व्यू, यहाँ पार्किंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से हम कार पार्क कर सकते हैं। ये है जोकर नंबर वन और ये है जोकर नंबर टू। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये है हमारा किचन, काफी स्पेशियस है।
अब विवान दिखाएगा हमारे किचन में एक एक चीज। जो ये किचन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं बिल्कुल, ये है फुल्ली कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन। सबसे पहले आते हैं फल सब्जियों का घर, डोर्स। यहाँ पे बास्केट ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें हम यानी कि मैं वेजिटेबल्स डालूंगी। यहाँ पे पैसा लगा देंगे। उसके बाद सुपर कार का दरवाजा वाला कैबिनेट इंटू टू चिमनी, एक और सुपर कार वाला दरवाजा का कैबिनेट। इसके अंदर हम डालेंगे चाय की पत्ती और चीनी। उसके बाद एक और दरवाजा कैबिनेट, ये हमारे पढ़े लिखे गवार। तो यहाँ पे अभी नहीं, ये बर्तन धोने की जगह जो बाद में बहुत ही गंदी होने वाली है। सबसे पहले दो बड़े बड़े शेफ और एक डोर क्लोज। उसके बाद आता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे किचन का सबसे ज्यादा। ऐसा लगता था जैसे फ्रिज हो बाहर से। हाँ। एक बार क्लोज करके दिखा पहले, ऐसा लग रहा था कि बाहर से फ्रिज है। एक बार क्लोज करते पूरा, एक बार पूरा दिखाने दे। ऐसा लग रहा है फ्रिज है। जब ओपन किया तो यहाँ पे हम यूटेंसिल्स लगा सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इतना अच्छी स्टोरेज प्लेस दी है लोगों ने। ओके क्लोज, अब चलते हैं किचन के बाहर। अब पहले लिविंग रूम दिखा देते हैं, ठीक है। ये जोकर जी अपने काम पे लग गए हैं। ये है छोटा सा टेम्पल और इस साइड पे है, यहाँ पे हमारा टीवी लगेगा जो किसी काम नहीं आएगा। और यहाँ से हम नीचे के हर इंसान को देख सकते हैं सीसीटीवी पे। इसकी हरकतें अभी से शुरू हो गई, ये घर को बिल्कुल मेंटेन नहीं करने वाला। मेरे पास होते जूते पहन के आएगा सूर्यवंशी। किसका बेडरूम दिखा रहे हैं? विवान का। इस कमरे में दो अलमीरा है। यस, दो पाखा ना फिर आप। ओ, ये है अटैच्ड वॉशरूम। अब रूम के बाहर चलते हैं। इसी सेम वॉशरूम की एंट्रेंस यहाँ से भी है, कनेक्टेड है लिविंग रूम से भी और मेरे रूम से। यस, ताकि ये कॉमन वॉशरूम। तो अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। हालांकि कमरे वाला वॉशरूम और किचन।